चुनावी राज्यों में एसपी बीएसपी को तवज्जो क्यों नहीं दे रही कांग्रेस? एसपी बीएसपी को महत्व नहीं देने के पीछे क्या है कांग्रेस की रणनीति? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में कांग्रेस भले ही अकेले चुनाव लड़ने को मजबूर हो, एसपी बीएसपी से कांग्रेस के ब्रेकअप को भले ही पार्टी के लिए झटका माना जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस इसमें भी रणनीति देख रही है। दरअसल सीटों पर सहमति नहीं बनने की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एसपी और बीएसपी के साथ ब्रेकअप हो गया है। कांग्रेस ने बीएसपी को 10 और एसपी को 3 सीटें देने का फैसला किया था, जिसे दोनों ही दलों ने खारिज कर दिया और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को लगता है कि अगर वो एसपी और बीएसपी को बड़ी हिस्सेदारी देती है तो फिर लोकसभा चुनाव में इनकी मांग और बढ़ जाएगी। कांग्रेस जानती है कि बीएसपी, एसपी, तृणमूल और एनसीपी जैसे दल चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमजोर होकर उभरे, ताकि 2019 में वो बढ़त में रहे। कांग्रेस भले ही इन तीनों राज्यों में सत्ता से बाहर हो, लेकिन यहाँ वो खुद को बीजेपी के साथ मुख्य मुकाबले में मानती है। इसके अलावा कांग्रेस गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा और असम में भी उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से ही है। ऐसे में इन राज्यों में किसी अन्य, तीसरे या चौथे प्लेयर को एंट्री क्यों दी जाए? सियासी जानकारों की माने तो कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अकेले चुनाव लड़कर अपना फायदा देख रही है। कांग्रेस इन चुनावी राज्यों में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले खुद को मजबूती के साथ विपक्ष का नेता साबित कर सके। यही वजह है कि कांग्रेस गठबंधन नहीं करने के रिस्क को भी फायदे के तौर पर देख रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगर इन राज्यों में वो एसपी बीएसपी को स्पेस देती है तो उसे भविष्य में बिहार और यूपी की तरह अपने जनाधार को खोना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस इन राज्यों में बीएसपी और एसपी को ज्यादा महत्व नहीं दे रही। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।